नमस्कार, अब मैं आपको ले चलता हूँ भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में मूसा बाघ, जो अंतर्राष्ट्रीय स्मारक है। वहाँ पर एक बाबा की मज़ार है और उस मज़ार पे हम आपको मिलवाएंगे, कुछ लोगों से वहाँ के हालचाल जानेंगे, वहाँ पे क्या क्या परेशानियाँ हैं ये देखेंगे आप। कौन सी तारीख में होता है? 12, 13, 14 रजब। रजब की 12, 13, 14 रजब और सावन का झूला पड़ता है नौचंदी को। बसंत की नौचंदी होती, बहुत बड़ी नौचंदी होती है, हजारों का मजमा होता है उसमें। इसी दरगाह शरीफ पे? इसी दरगाह से यहाँ सब कुछ माना जाता है। ये नहीं, ये हिंदू है, मुसलमान है, तो कोई रोक नहीं होती। यहाँ पे बाबा का लंगर चलता है, बहुत जबरदस्त नौचंदी में। नौचंदी भी चलता है। अब ये मुहर्रम की 27 तारीख प्रोग्राम एक होगा, एक नौचंदी को प्रोग्राम होगा जी, इसमें भी लंगर चलेगा, लंगर आम चलता है। तो यहाँ से सुबह से लेके शाम तक के लंगर चलता है? नहीं, दोपहर तक 11 तक का ना, उसके बाद चलता है। तो कितने बजे से लंगर चलता है? करीब जोहर की नमाज के बाद, जोहर की नमाज से लेके हाँ ईशा, ईशा तक चलता है। यहाँ आने वाले सब खुश हो के आते हैं, किसी को नाराज़ होने की जरूरत नहीं होगी। अब जो गलत इतराज से जाएंगे तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उनको गलत आदमी फंस जाते हैं, पकड़ लेते हैं पैसे के लिए। भाई यार उसकी इजाज़त नहीं, मेरे इजाज़त दी नहीं, उसने मना कर दिया, करेगा उसको सजा मैं दूँगा, इसलिए मैं उसमें बोलता नहीं, कह देता हूँ गलत ना करूँ। अरे लेना तो क्या, उन्होंने 21 रुपये ले लो, 5000, 6000 क्या है तेरी, गरीब आदमी है नहीं, कहाँ से देगा उसके साथ, इसलिए उसके लिए मैं रुक रहता हूँ, जितना करवा तो करता हूँ मैं। एक बार सर अपना नाम फिर उसके बाद मेरा नरेशन सुनकर यहाँ पे लोग दुकानें लगाए हुए, जबरदस्ती की लगाए हुए। सर आप अपना नाम जरा तेज से बताइए। नरेशन सुनकर। अच्छा, अन्नू भैया बोला। मेरा नाम सहरा है, मैं इस समय बुलाना। वहाँ पे सुरक्षा की समस्या है, कच्ची सड़कें हैं, पानी बरसात में गड्ढे बन जाते हैं, लोगों को दिक्कतें आती हैं, नगर निगम की तरफ से कोई इंतजाम नहीं है, इस तरीके की समस्याएं हैं। इसके साथ गंदगी भी वहाँ पे बढ़ती जाती है, नगर निगम सफाई पे ध्यान नहीं देता है, ये मज़ार शरीफ पे आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक समस्या बन जाती है।
तो हम आपको अभी और रूबरू कराएंगे इन समस्याओं से भी।